नमस्कार दोस्तों, आज देखते हैं UPTET पेपर जो 8 जनवरी को हुआ उसके भाग चार की उत्तर कुंजी। देखिए इसमें जो 91 वाला सवाल है इसमें दिया हुआ है किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है तो क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए इसमें क्या फार्मूला लगेगा, एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। इसमें L और B की वैल्यू हम ये वैल्यू में पता है और हम ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा पहला 120 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेकंड वाला क्या है, ऑन सिंप्लीफिकेशन 2 की पावर -1 होल की पावर -1 द नंबर विल बी। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ABC। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा विकल्प ABC। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है एक, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य होता है। देखिए ये गलत है और ये भी गलत है, इसका जो विकल्प होगा वो होगा दो, एक भाज्य संख्या विषम भी हो सकती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 डिग्री है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी। देखिए इसका जो सही विकल्प है वह है 6, बहुभुज में भुजाओं की संख्या 6 होगी। देखिए इसमें जो फार्मूला लगा जाएगा वो 360 डिग्री और अपॉन एन करके एन नंबर ऑफ साइड से वाला फार्मूला इसमें लगेगा। उसके बाद 95 वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, इसका आएगा असंख्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या है। देखिए इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो है पहला। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, 97 क्वेश्चन है, जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 4041700 जेड 89 से विभाज्य। देखिए 9 से विभाज्य के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि 3 से विभाज्य हो जाती है, और तो हम चेक करेंगे अगर हम 417 जेड 8 के सभी डिजिट को जोड़ लें तो कितना आएगा, 4 5 7 5 12 2 14 8 22। इसमें जेड को हम देख लेते हैं, ऐसा जेड की वैल्यू ऐसी लेनी होगी जो 3 से डिविजिबल हो और 9 से डिविजिबल हो, और ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है 3 से भी डिविजिबल होगी, तो इसका जो सही विकल्प आएगा वो आएगा 7। 98 वाला देखते हैं, 98 वाले का जो आंसर आएगा वो आएगा 81/40। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 99, जो 99 वाला क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सवा किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा आयत चित्र द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक आयत की लंबाई 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 37.5%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 102, एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में कितना होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो होगा 72। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2018 में अमित का वेतन ₹1,26,500 है, वर्ष 2016 से उसका वेतन प्रतिवर्ष क्रमशः 10% व 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया, वर्ष 2016 में उसका वेतन कितना था। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ₹1,00,000। 104 देखते हैं, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 तथा लघुत्तम समापवर्तक 432 है, यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। इसमें देखिए LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये फार्मूला लगेगा और इसमें जो वैल्यूज हमें पता है वो लगाकर हम लोग अपना आंसर निकाल लेंगे, जो इसका सही आंसर आएगा वो है 54। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है तो उस महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा।
इसका जो सही जवाब है वह है 27 तारीख को पड़ेगा। 106 का देखते हैं, 106 को हम सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर 2 आएगा। 107, निम्नलिखित में से कोई तीन मापों को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। भुजा की माप 1.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर और 8.1 सेंटीमीटर है। इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा एक, एक ही बनाया जा सकता है। 108 का देखें, एक भिन्न का हर अंश के दोगुने से एक अधिक है। अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो आएगा 4/9। चलिए अगला हम देखते हैं, 109, सरल कीजिए। देखिए इसको हम एक्सपेंड करें अगर, तो एक्सपेंड करने के बाद क्या है, बॉडमास रूल से हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो है -5। 110 वाला देखते हैं, 1.8 = 4 और LCM है 1.8 = 24, तो ए इसमें कितना हो जाएगा, देखिए अभी मैंने आपको ऊपर फार्मूला बताया था उससे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, 110 का एक सही है। 111 हम लोग देखें, एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई तथा चौड़ाई 20% घटाई गई जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई, इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। देखिए परसेंटेज चेंज हमें फाइंड करना है। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2, 24.4%। किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी है। देखिए सबसे पहले हम टोटल एरिया निकाल लेंगे इसका, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ वन टाइल से डिवाइड कर देंगे, एरिया ऑफ वन टाइल। तो इससे हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 814 टाइल है। गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, देखिए इसमें जो फार्मूला लगता है उसमें होता है फार्मूले में कि एक का अगर हम स्क्वायर करें तो कितना लास्ट में एक इकाई आएगी, दो का स्क्वायर करें तो लास्ट में कितना आएगा, और इस तरीके की हम कई सारी श्रृंखला बना लेते हैं उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका जो सही विकल्प आएगा वो आएगा 3, पहला इकाई में 3 आएगा। 114, यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न कितना होगा। देखिए इसका जो सही विकल्प है वह है 5/8। 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं, देखिए 5240, जी हाँ ये होता है और ये नहीं होता, 97108 ये होता है और ये नहीं होता। देखिए जो इसका सही विकल्प है वो हो जाएगा 3, 1 और 3। चलिए अगला देखते हैं, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं। देखिए एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में 6 शीर्ष होते हैं। 117 है, ₹10/6 से केले खरीदकर ₹6/4 से बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। इसका जो सही विकल्प है वो है 10% की। रिक्त स्थान के लिए कौन कौन से विकल्प सही हैं, देखिए 1 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होता है, इसका हो जाएगा 10^-3 किलोग्राम, और ए भी हो जाएगा। तो इससे अगर हम अपना देखें आंसर तो दूसरा सही आएगा, ए और बी दोनों। 119वां देखते हैं, 0.01 का स्क्वायर को प्रतिशत के रूप में लिखने पर क्या आएगा। तो 119 वाले का हमारा आ जाएगा, देखिए ये भी आएगा, ये नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, ये आएगा जी। तो ए और डी तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 120 देखें, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर कितना होगा। इसका जो सही आंसर है वो है 4। देखिए अभी मैं थोड़ी देर में पूरे फॉर्मूले के साथ एक एक क्वेश्चन को कराऊंगा। आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।